हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? चलिए, बहुपद का एक थ्योरी बच गया था, आज उसको इंड कर देते हैं। उसके बाद हम लोग बहुपद का एक ओर से सारा प्रॉब्लम देखेंगे। जो जो दिक्कत होगी, जहाँ जहाँ सवाल होगी, सब पे हम लोग डिस्कस करेंगे। आइए तो बढ़ते हैं आगे। बहुपद में देखें क्या है। लास्ट थ्योरी देखिए, यहाँ ग्राफ या तो पूर्ण रूप से एक्स अक्ष के ऊपर है, ऊपर, या पूर्ण रूप से एक्स अक्ष के नीचे है। इसलिए यह एक्स अक्ष को कहीं पर नहीं काटता है। इसके पहले वाले थ्योरी में हम लोगों ने देखा था बाबू, जैसे ये मान लीजिए ग्राफ है, तो इसका अगर ये पाराबोला का, अगर मान लीजिए ये अपवर्ड पाराबोला ऐसा बना हुआ है, तो हमने कहा था कि एक्स अक्ष को जितने जगह काटेगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पर ए था और यहाँ ए डैश था, तो जितने जगह पर काटेगा उतना शून्य होगा। ठीक है, एक ये हो गया। और एक ग्राफ और भी देखा था हम लोगों ने, जैसे मान लीजिए ऐसे करके ये एक जगह काटता है तो एक शून्य हो गया। ये लीनियर इक्वेशन ग्राफ है, साधारण ऐसा समीकरण, ऐसा बहुपद जिसमें एक्स अक्ष का पावर एक हो, उसका समीकरण था ये, उसका ग्राफ था ये। एक्स स्क्वायर क्वाड्रेटिक इक्वेशन ग्राफ है। अब यहाँ पर जो ग्राफ है, इस पर बात करेंगे। ये हर तरह का केस था। धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो इस केस में देखिए, इसमें बात करेंगे हम लोग क्या कि यह जो एग्जाम्पल दिखाया गया है बोर्ड पर, आपको बताना है यह एक्स अक्ष को कहीं पर नहीं काटता है। ठीक है, ये जो पाराबोला है, कहीं एक्स अक्ष हम इसको बोलते हैं, और एक्स एक्सिस को ये वाला पाराबोला टच कहीं नहीं करता है। अगर कहीं टच नहीं करेगा तो इसका कोई शून्यक नहीं होगा। बस इतनी सी बात है, कहीं पर ये पाराबोला का ग्राफ एक्स एक्सिस को कहीं नहीं छुआ, इसलिए इसका कोई शून्यक नहीं होगा। इस फॉर्म का अगर कोई भी द्विघात समीकरण दिया, द्विघात बहुपद दिया रहेगा, उसमें देखेंगे पाराबोला अगर उसको एक्स एक्सिस को नहीं छू रहा है तो क्या होगा। इस स्थिति में बहुपद इतना का कोई शून्यक नहीं होगा। सेम कंडीशन वन में भी, चित्र एक में भी वही देख लीजिए, और चित्र दो में भी वही है, सिर्फ एक में अपवर्ड पाराबोला है, एक में डाउनवर्ड पाराबोला, लेकिन इसमें भी ये एक्स अक्ष को नहीं छू रहा है, इसलिए क्या हो गया, कोई शून्यक नहीं होगा, कोई भी शून्यक नहीं होगा। अब अगला देखते हैं। बस ये लास्ट थ्योरी था, यहाँ पर आपका हो गया बहुपद का सारा थ्योरी खत्म हो गया बाबू। अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं जो ग्राफ से रिलेटेड है, उस पर बात करते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल वन दिया हुआ है, इसमें कह रहा है शून्यांकों की संख्या बतानी है, इसमें भी शून्यांकों की संख्या बतानी है, यहाँ भी, यहाँ सर ये कितना सवाल है, 1 2 3 4 5, ये 6 क्वेश्चन दिया हुआ है आपको बोर्ड पर, और इन 6 में भी बताना है कि इसमें शून्यांक की संख्या कितनी होगी। पहला सवाल देखिए, तो हमने क्या कहा था, ये जो पहला कंडीशन था कि कोई भी ग्राफ, किसी भी ग्राफ के एक्स एक्सिस को जितने जगहों पर काटेगा उसमें उतना ही शून्यांकों की संख्या होगी। आप यहाँ पर देखिए, इस ग्राफ को देखिए, देखिए सवाल, इसको मिटा देते हैं हम, फिर आपको आसान होगी समझने में। ये लग रहा है क्या, ये क्वेश्चन है इसका, ऐसा नहीं है, इसको हटा देते हैं। देखिए तो बाबू, एग्जांपल वन को देखिए, तो इसमें ये ग्राफ में एक्स एक्सिस कौन सा है, ये है एक्स, और एक्स डैश ये एक्सिस है। एक्स एक्सिस को ये ग्राफ कहां पर कट कर रहा है, यहां मान लीजिए बिंदु हम ए मानते हैं, ए बिंदु पर कट कर रहा है, तो जितने जगह पर एक्स एक्सिस को काटेगा उतना ही इसमें शून्यांक होगा। यहाँ कितने जगह काटा, एक जगह, तो शून्यांकों की संख्या कितना हो जाएगी, एक, शून्यकों की संख्या एक। ठीक है, अब देखिए एग्जांपल दो पर आते हैं। यहाँ पर देखिए एक्स एक्सिस कौन सा है, ये वाला एक्स एक्सिस है। सबसे पहले देखेंगे ये कहाँ कहाँ काट रहा है, ये मान ली ए पर काट लिया और ये ए डैश पर काट लिया। वाई से कोई मतलब नहीं, यहाँ भी कटा उससे कोई मतलब नहीं, ये वाई एक्सिस है, इससे कोई लेना नहीं है, हमको सिर्फ एक्स एक्सिस को देखना है। ये एक्स एक्सिस पर ए और ए डैश पर काटा, शून्यकों संख्या कितनी हो जाएगी, दो, शून्यकों की संख्या इसमें दो, क्योंकि एक बिंदु यहाँ पर कटा एक्स एक्सिस पर, एक बिंदु यहाँ कट पड़ा, दो बिंदु, दो हो गया। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, इसमें शून्यांक, शून्यकों की संख्या निकालनी है। शून्यक देखिए कितना है, यहाँ पर एक्स पहले देखेंगे, एक्स एक्सिस ये वाला है, एक्स एक्सिस को ही सबसे पहले देखेंगे, फिर देखेंगे कहाँ कहाँ काट कट कर रहा है, एक, दो और तीन, ये मान लीजिए पी है, ये क्यू है और ये आर है, पी क्यू और आर बिंदु पर ये ग्राफ कट कर रहा है एक्स एक्सिस को, ये पाराबोला, इसलिए क्या होगा, यहाँ पर शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, तीन हो जाएगी। ठीक, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर चार में। देखिए तो ये आप बता दो, सबसे पहले बता दो बाबू, ये जो ग्राफ है ये किस बहुपद का ग्राफ है, ये लिनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ है, रैखिक बहुपद का ग्राफ है। रैखिक बहुपद उसमें कहते हैं जहाँ वाई बराबर एम एक्स प्लस सी, वाई बराबर एम एक्स प्लस सी का इक्वेशन लिनियर इक्वेशन कहलाता है, वाई बराबर एम एक्स प्लस सी का इक्वेशन लिनियर इक्वेशन कहलाता है, वाई बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाता है, जबकि वाई बराबर एक्स क्यू माइनस एक्स एक्स स्क्वायर या फोर एक्स, ये सब क्या है, एक्स क्यू या यहाँ एक्स स्क्वायर मान ऐसा कुछ दिया रहेगा, तो ये क्या है, ये क्वाड्रेटिक, ये जो है इसका त्रिघातीय बहुपद का
समीकरण है, लेकिन ये यहाँ y बराबर एम एक्स सी की बात चर्चा हो रही है, ये तो आप देख लिए, देख ही लिया आप लोगों ने। यहाँ पर हमको देखना है y बराबर एम एक्स सी, तो ये लीनियर इक्वेशन का ग्राफ है, ये कहाँ पर है x एक्सिस को कितनी जगह पर काट रहा है, ओनली वन जगह पर, ये मान लीजिए बिंदु a है, एक स्थान पर काट रहा है, इसे शून्य की संख्या कितनी हो जाएगी बाबू, एक हो जाएगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अगला देखते हैं, इस ग्राफ में देखते हैं x एक्सिस को कहाँ कहाँ पर काट रहा है, सिर्फ एक जगह काट रहा है, ये जो है सिर्फ एक बिंदु यहाँ पर A मान लेंगे, अगर दो बिंदु A' होगा भी तो हम मानेंगे वो क्या है, कोप्लेनर है, संपाती है, इसलिए क्या होगा यहाँ पर सिर्फ एक बिंदु पर टच करेगा, इसलिए शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, सिर्फ वन होगी, क्योंकि पैराबोला जो है x एक्सिस को एक जगह पर छूती है, वाई से कोई लेना देना नहीं है, y को कितनी भी जगह काट दे ये हमको कोई मतलब नहीं, हमको देखना है सिर्फ x को कहाँ पर काट रही है, एक इसमें शून्य का संख्या कितनी हो गई, एक हो गई। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें y एक्सिस कौन सा है, ये वाला है y एक्सिस, सबसे पहले y एक्सिस देखेंगे, इसके बाद देखेंगे इसको काट रहा है कहाँ कहाँ पर, एक मान लेते हैं ये L हो गया, मान लीजिए बिंदु L हो गया, यहाँ काट गया, फिर यहाँ कट गया M हो गया, ये L M, यहाँ कट गया N और यहाँ कट गया O, L M N O, एक दो तीन चार बिंदु पर काटा, इसलिए शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, चार, शून्य की संख्या चार, ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। देखिए कहीं कोई दिक्कत है, एक दो तीन चार पाँच छः सवाल हो गया, इसमें शून्यकों की संख्या सिर्फ निकालनी थी, आपको देखना था कि कोई भी समीकरण, कोई भी ग्राफ जो है एक्स अक्ष को कितनी जगह पर काटता है, जितनी जगह पर काटेगा उतना ही उसमें शून्यकों की संख्या हो जाएगी। इस प्रकार यहाँ पर बहुपद का सारा थ्योरी खत्म हो गया, थोड़ा लंबा चैप्टर था बाबू, हम थोड़ा लगा कि काफी थ्योरी हो गया, कोई बात नहीं, अब जो हमारा एक्सरसाइज होगा 2.1, हम उस पर चर्चा करेंगे, एनसीईआरटी के बहुपद का पहला एक्सरसाइज 2.1, और उसको हम लोग एक ओर से देखते जाएंगे। धन्यवाद, स्वस्थ रहिए, वृद्धजनों की सेवा कीजिए, धन्यवाद।